आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेकर आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। यह प्रयास पुस्तिका आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना था। यदि जिन बच्चों ने इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण नहीं किया है तो आप इस पर कार्य जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपके स्कूल शुरू हो चुके हैं। आपके स्कूलों में कॉपियाँ चेक होंगी, आपकी प्रयास की पुस्तिका चेक होगी और जमा होंगी। और यह प्रयास पुस्तिका आपकी सत्र 2023-24 के लिए बनाई गई है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राष्ट्र शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और यदि आपने प्रयास पुस्तिका पर कार्य नहीं किया, यदि छूटा हुआ है, तो आप 1 से 24 तक के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हम अगला नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट कार्य 23 जो इंग्लिश से संबंधित है, या इंग्लिश का प्रोजेक्ट है आपका, इसे कहते हैं एक्सरसाइज 23। क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर वन को पढ़िए। प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ यूअर सेल्फ स्टडी एंड राइट इन द टेबल गिवन बिलो। यानी क्या करना है? अपने स्वयं अध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दी गई टेबल में लिखना है। आपको स्वयं अध्ययन यानी कि आपको सप्ताह में कैसे पढ़ाई करना है, उसका टेबल आपको सब्जेक्ट वाइज विषय वाइज बनाना है और ये टेबल पर लिखना है। आप जैसे आपके घर में पढ़ाई करना चाहते हैं उस आधार पर यहाँ पर आप पहले से अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस दिन ये पढ़ाई करना है, इस लेसन का या जो भी है। तो इस प्रकार से सारणी को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया, देखिए सब्जेक्ट और डे दिया। यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ये हो गया आपका मैथ्स एंड गणित, साइंस मीन्स विज्ञान, सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ये आपके सब्जेक्ट दिए। और डे जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस प्रकार से आपकी सारणी बनी हुई है। तो अब जैसे आपको मंडे की बात कर रहे हैं, हम मंडे में आपको मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स में क्या पढ़ना है मंडे को, तो आपको यहाँ पे लिखना है उसे। जैसे हमने लेसन वन एक्सरसाइज 1.1, हमको जो लेसन है अध्याय एक का जो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करना है, तो जो आपको करना है वह लिख दिया टाइम टेबल में। उसी प्रकार साइंस में लिख दिया आपने, साइंस में लेसन वन 60 क्वेश्चन आंसर, जो लेसन वन है उसके 60 क्वेश्चन आंसर हमें कम्प्लीट करना है। सोशल साइंस में भी क्या आ जाएगा, लेसन वन 60 क्वेश्चन आंसर। तो आप अपने आधार पर इसे तैयार करेंगे। हमने आपको एक सैंपल के रूप में बताया कि इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। जैसे इंग्लिश में बताया, क्या बता दिया इसमें, पहले से एग्जांपल के रूप में दिया है लेटर राइटिंग, है ना, हमें लेटर और राइटिंग करना है। उसी प्रकार हिंदी में भी लेटर राइट और संस्कृत में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मंडे या सोमवार के बाद आ गए मंगलवार, ट्यूजडे। अब मंगलवार को हमें क्या करना है, उसी के आगे बढ़ना है। इतनी तैयारी तो हमने कर ली है, अब उसके आगे करना है। तो जैसे लेसन वन एक्सरसाइज 1.2, फिर इसी में हमने शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी किए थे, अब दूसरे दिन मंगलवार को लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेंगे। फिर इसी प्रकार सोशल में भी क्या जाएगा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में स्मॉल लेटर रीडिंग, यानी जो स्मॉल लेटर होते हैं उसकी रीडिंग करना है हमें, पढ़ना या लिखना है, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हिंदी में ऐसे राइटिंग, यानी ऐसे जो होता है निबंध, उसे लिखना है हमें, और संस्कृत में भी ऐसे। तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से साप्ताहिक तैयारी करना है वह टाइम टेबल आपको बनाना है। इसी प्रकार वेडनेसडे में देख सकते हैं आप, हमने लेसन टू, हमारा लेसन वन कंप्लीट हुआ तो लेसन टू आ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 2.1, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेसन टू के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किसके आ जाएंगे, सोशल साइंस के। फिर इंग्लिश में आ जाएगा लेसन वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और हिंदी में लेसन वन ग्रामर, और संस्कृत में भी ग्रामर। तो ये हमने 3 दिन तैयारी कैसे करना है, हमने टाइम टेबल बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे आता है आपका बुधवार हो गया, बुधवार के बाद क्या आएगा गुरुवार, थर्सडे। तो उसमें भी आपको इस प्रकार से तैयारी लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ लिख के बताया लेसन टू एक्सरसाइज 2.2, लेसन टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन टू, तो ये सब्जेक्ट वाइज हो गए। फिर फ्राइडे का हो गया, फ्राइडे का भी आपको कैसे बनाना है, ये सैटरडे हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे साप्ताहिक जो क्या करना था, प्रिपेयर अ वीकली प्लान। तो प्रिपेयर वीकली प्लान इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे कि हमको सप्ताह में कैसे पढ़ाई करना है, किस विषय पर करना है, कौन सी यूनिट किस सब्जेक्ट की कब कब करना है, ये आपको टाइम टेबल बना लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा है, राइट यूअर डेली रूटिंग इन 10 सेंटेंस। यानी कि आपको क्या करना है, राइट यूअर डेली रूटिंग इन 10 सेंटेंस। अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखना है, जो आपकी दिनचर्या है उसके बारे में। यहाँ कितने वाक्य लिखना है आपको, 10 वाक्य लिखना है। आप अपने आधार पर लिख सकते हैं, जैसे हमने अपने आधार पर यहाँ बताया, एग्जाम्पल में दिया है आई गेट अप 8:06 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह 6 o'clock यानी कि मॉर्निंग को उठ जाऊँगा या जल्दी काम करूँगा। उसी प्रकार सेकंड नंबर में आप अपने आधार बना दीजिए, जैसे आई देन ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। फिर थर्ड नंबर 8:07 o'clock आई टेक माई स्कूल बस। फिर फोर नंबर में आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल। फिर फाइव नंबर आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस।
तो इस प्रकार से हमने 5 पॉइंट बता दिया आपको यहाँ पे। इसके आगे चलिए देखते हैं 6 नंबर का क्या आएगा, 6वां नंबर का, आई डू माई होमवर्क इन मॉर्निंग, यानी कि मुझे अपना होमवर्क कब करना है, मॉर्निंग या सुबह करना है। फिर 7वां नंबर में देखिए, आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड बाई 9 o'clock, ये 7वां नंबर का पॉइंट हो गया। 8 नंबर का, आई रिच द स्कूल इन द इन टाइम। 9 नंबर देखिए, आई रिटर्न होम बाई 7 PM। 10 नंबर, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। और 11 नंबर में क्या आ जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो आपको 10 पॉइंट लिखना है, किस पे लिखना है आपको, डेली रूटीन यानी कि आपके दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य यहाँ पे लिख के बताना था। ये हमने अपने आधार पे लिखे हैं, प्रत्येक बच्चे अपने आधार पे यहाँ पे जो आपकी डेली रूटीन होती है या दिनचर्या होती है उस दिनचर्या पे यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपका जो एक्सरसाइज कौन सी थी 23 या प्रोजेक्ट कार्य 23 यहाँ कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको देखो कैसे करना है वह हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 1 में भी आपको कैसे प्रिपेयर वीकली प्लान बनाना है वह बताएं, आप अपने आधार पर बना लेंगे। आपको हमारे द्वारा जो ये एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट कार्य बताए जा रहे हैं ये अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।